खातून के कत्ल से मुतालिक अजखुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। पंजाब पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश की। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने इस्तफसार किया कि रिपोर्ट में पंचायत का कोई जिक्र नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर खादिम आला पंजाब को इस केस का इल्म नहीं तो फिर क्या मालूम है। पुलिस जिम्मेदारों को लेकर आए, वरना आईजी पंजाब का वही हाल होगा जो कराची के सरफराज कत्ल केस में फयाज लगारी का हुआ। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। मकतूला मरियम बीबी का लापता शोहर भी बाजियाब करा लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी ऐसी कारकर्दगी पूरे पंजाब में दिखाएं तो लाहौर में हर रोज 3-3 डाके ना पड़े। कैसे मुमकिन है कि पुलिस ने खबर नशर होने के 45 मिनट बाद लापता शोहर बाजियाब करा लिया। लोगों को पता होना चाहिए कि अब कानून से कोई बालातर नहीं। आईजी को चाहिए था कि डीपीओ को फारिग करके कैंप लगा के बैठ जाते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एसी वाले कमरों में बैठकर बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन गरीब की कोई नहीं सुनता। मरियम बीबी के रिश्तेदार हारिस नदीम ने बयान दिया कि सरफराज ने खुद अपनी बीवी को कत्ल किया। अदालत ने कहा कि बादी नजर में पुलिस को लापता शख्स और जुर्म के बारे में मुकम्मल इल्म था, मगर हुकूमती मशीनरी पूरी कुव्वत से हरकत में नहीं आ सकी। अदालत ने आईजी पंजाब को 23 जुलाई को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।